मोरी माइया। आप देख सकते हैं इनकी धर्म पत्नी थी वो, किस तरह इनका सहारा थी वो, सहयोग करे नसीब रहा क्या करोगे। आप लोग देख सकते हैं कैसे बेहोश हो जा रहे हैं, गिर 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 के बेहोश हो जा रहे हैं। क्या काम करती थी वो, सब्जी भी बेचती थी। सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्राटा न्यूज 24। इसमें मौजूद है अंबेडकर नगर के मालीपुर गांव में। यहां पर एक अनियंत्रित बोलेरो के माध्यम से एक महिला की जो मौत हो जाती है, तो इस जो मौत हुई है, जो हादसा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। वो हाई स्पीड बहुत तेज गाड़ी चला रहा था वो आदमी। अच्छा, अनियंत्रित होकर के ये स्पीड गाड़ी थी। हाँ, बहुत स्पीड थी। अच्छा, कम से कम 90 का, ये आप जानेंगे। दोस्तों जो है, जो रोड प्राधिकरण होता है उसका गाइडलाइंस होती है, जहाँ पर भी गांव समाज रहते हैं वहाँ पे जो गाड़ी की जो है स्पीड लिमिट तय होता है कि 40 में गाड़ी चलनी चाहिए या 20 में। आप लोग देखते होंगे जो रोड के किनारे जो है बोर्ड लगा रहता है कि आगे घनी बस्ती है, कृपया गाड़ी जो है धीमा करके चलाएं। लेकिन इसके बावजूद वो लोग ओवर स्पीड में थे, बहुत स्पीड में थे भाई। और फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ महिला एक्सपायर कर गई, दीवाल गिरा, दीवाल के नीचे दब गई। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, कहने का मतलब वो गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि दीवाल को तोड़ते हुए महिला को अपने चपेट में ले लिया। इस तरह के जो ड्राइवर होते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ऊपर कौन सी कार्रवाई हो? कार्रवाई इन लोगों के ऊपर हो, पकड़ा जाए, कार्रवाई की जाए, इनको जेल भेजा जाए, और क्या, और इसके बाद मुआवजा दिया जाए। 5 बजे भयल है भैया, बेच उच के आईन है ये। क्या बेचती है? सौदा बेचे गए रही गहुआ में, बेच के आईन है, पतोहिया ही रहा लिया, पानी मांगी कहीं बहनी हम एक लोटा पानी दे दा, हमरे प्यास लगल बा, दिन एक लोटा पानी पीन है ये, परे बात कहीं सब्जी उब्जी लेके उगई नहीं बनावे खातिर, गली गई नहीं रोज बैठत रही है, गई नहीं हउदी झा रहे पतो रहा कहे माई रहा दे ही खाई भैसिया रहा दे, बाकी जबरदस्ती गई हउदिया झा रहे, कहीं तू पनिया लावा हम धो दे थी, जो दल भैया पनिया न गई ने तब दल भैया बीतिया भैया खहराई गयल बहनी के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह जो गांव समाज की महिलाएं हैं उनके लिए रो रही हैं। चुप जाइए आप, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, जो ये घटना घटी है क्या कहना चाहेंगे आप? यारे मोरी माइया। क्या काम करती थी वो, सब्जी भी बेचती थी? लौटनी हो माइया, सब्जी बेचे गए रहीन, बेच के नी आई ना, ओय हउ दिया हउ जा रही लागिन, पोतावा के पठाइनी पानी आनई माइया, ई नहीं तो हमार भाई उचा लगाए होते। घर में और कमाने वाला कोई नहीं था जो सब्जी बेच रही थी? नहीं क्यों ना बा। और कोई नहीं है, लड़के बच्चे नहीं है? बाटन भैया इधर आ जाइए, क्या कर रहे हैं? मजदूरी जीरी करके खा रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब इस गरीबी में वो अपना जीवन यापन करने के लिए सब्जी जी बेचती थी? हाँ, बेच के जुड़ते आई ना कहीं वह दिया झार दे, वो कब सादी पानी को ना दे खाए, तैसे बीतिया बोले लाई के लड़ाई दे लाए बहनिया हमार वही में दवाई गई नी, बहनिया हमारे खाता में हो। तो क्या कहना चाहेंगी सरकार से आप? क्या मांग सरकार से आपकी? अरे मोरी माइया अम्मा जी, ये बताइए सरकार से क्या मांग है, क्या चाहती हैं पुलिस प्रशासन से आप? सरकार से यही है कि आप बोलिए, बोल नहीं पा रहे हैं। हवा जो भाई ठल बाटनी मोरी माइया, हमार बहनी बेच के लाई के। हमारा कहना हुआ है कि हमारे मौसी थी जो एक्सपायर हुई हैं। अच्छा, जो है, जो ये घटना हुई है इसकी भरपाई होनी चाहिए। कैसे कैसे हुई है, ब्लोरो से हुई है, अब कैसे वो लोग चला रहे थे, वैसे चला रहे थे कि जो है नशा पानी करके चला रहे थे। कहीं ऐसी नहीं, कोई दुश्मनी थी इन लोगों की? नहीं, नहीं दुश्मनी कुछ नहीं थी, कहीं से नहीं थी। अच्छा, उसमें चार लोग बैठे थे और पिए थे दारू और तो भाग गए, कुछ पकड़े गए हैं।
कहने का मतलब चार लोग उस गाड़ी में थे, दो लोग पकड़े गए, दो लोग भाग गए। दो लोग भाग गए, ड्राइवर और कोई भाग गया है और दो लोग पकड़े गए हैं। अभी जानकारी मिल पाई कि नहीं कहाँ की गाड़ी रहने वाली है? मालूम नहीं है। ग्राम प्रधान क्या बोल रहे हैं? यह मौके पर भाई कुछ ना बोल रहे, पुलिस आए रही, पुलिस से अपन लिखा पढ़ी करवाए है और पोस्टमार्टम भिजवाए है लाश है। ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं, इनके आंखों में आंसू जरा सुनी चाचा। तो आप देख सकते हैं इनकी धर्म पत्नी थी वो, किस तरह इनका सहारा थी, वो सहयोग कर रही थी। एक व्यक्ति के जो जिंदगी में होती है एक पत्नी ही सबसे बड़ी सबसे ज्यादा सहयोग करती है। एक जो इंसान होता है कहीं ना कहीं अपने परिवार में अपने बीवी बच्चे में खुश रहता है, लेकिन आज इनके दुख का जो कारण है आप लोग देख सकते हैं, आज इनकी जो पत्नी है इनके बीच नहीं है इस दुख की घड़ी में, आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे राम हो, अरे राम हमको जो कड़ी सजा दिया जाए और प्रशासन से कुछ मदद मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ कहने का मतलब सजा मिलनी चाहिए उन लोगों? बिल्कुल मिलना चाहिए, कि दारू पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो मिलना चाहिए। हाँ उतना नसीब रहा, क्या करोगे आप लोग देख सकते हैं कैसे बेहोश हो जा रहे हैं, गिर 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 के बेहोश हो जा रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं इनको अचानक जो है। हाँ तो आप बताइए ये जो गरीब परिवार है सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? सरकार से इसका मुआवजा देना, देने का हक देना। हाँ अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे घर में कोई कमाने वाला नहीं था? नहीं, बच्चे हैं तो अपना मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। अच्छा, हाँ तो क्या करती थी? क्यों कौन जो मरी हूँ वो सब्जी बेचने गई थी। अच्छा, बेच कर आई, यही काम है, गांव गांव में सब्जी बेचती है? हाँ गांव गांव में सब्जी बेचती है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरह वो गांव में जाकर सब्जियां बेचती थी और जो सब्जियों से जो पैसा होता था अपने घर परिवार का जो जीवन यापन करती थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है, तो अच्छा सब्जी बेच कर घर चलाती थी? हाँ सब्जी बेच कर घर चलाती थी। अच्छा अच्छा, बच्चा और 10-12 साल के हैं, दो बच्चे उसके हैं। अच्छा, विधवा पतोह भी है? एक विधवा पतोह है, जवान है, विधवा हुई है वो। अच्छा, दो बच्चे हैं। अच्छा, अभी शादी कुकना हो, एक 10-12 साल का बाय, एक बिटी शादी करे लाई भाई भाई। अच्छा अच्छा, हाँ पतवा भाटी आई गए, वो पनिया ने नशा है, वो कर सोरिए धोए उठा हो तो बेटा वो पतोह। एक बेचारी विधवा एक तो रही, दूसरे एक बेटवा करे रहा, लेकिन सब है बच गए। वो के तो नहीं भरोसा रहा, ससुर ही के भरोसा रहा के जियाओ खियाओ तो कर पोती पोता। तो इस दुख की घड़ी में आप क्या कहना चाहेंगी सरकार और प्रशासन? अब भाई दूठे उनके बच्चा है ना, उन्हों दूठे पोती पोता है, उन्हों सहारा चाहिए, बुढ़ऊ के सहारा चाहिए के नहीं हो बेटवा बिटिया आजकल भैया केहू होते नोते ना बात बुढ़ापा में बात बताई साहब, क्यों जब बुढ़ापा आवत है तो क्यों साथ ना दे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर पुलिस जब आई सरकार प्रशासन क्या बोल रही है, पुलिस क्या बोली है? अब पुलिस क्या बोले, हम वो इतना भीड़ रहा भैया, इतना प्रशासन रहा है कि क्यों मेहरारू घुसे ना पावत रहा, पुलिस डांट डांट सबके भगाए देते रहे, मेहरारू ना के घुसे पावत रहा, मन इतनी जनता रहा कि वो वहाँ दुआरे से और पूरा सड़क एकदम भारी रहा जनता से। दोस्तों हम चाहते हैं सरकार जो है प्रशासन यहाँ के जो लेखपाल होते हैं जो ग्राम प्रधान होते हैं ये सभी ना कहीं इनको जो है कोई रोजगार जो है मुहैया कराए, इस गरीब परिवार के लिए कुछ धनराशि दिया जाए ताकि ये जो गरीब परिवार है कहीं ना कहीं जो है जीवन यापन कर सके।